मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास डिमांड थी, कुछ बच्चे कह रहे थे छोटी क्लासेस के, सर हमें प्लस करना नहीं आता है, माइनस करना नहीं आता है। तो मैं आज आपको प्लस करना छोटे बच्चों वाला, जो पहली दूसरी क्लास में या आपको कहें तो उस वक्त में जो प्री क्लासेस होती हैं, इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। इनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से संख्याओं को जोड़ा जाना चाहिए, उस तरह की जमा करना मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, देखते रहे, वीडियो को स्किप ना करें। जमा के सवाल, जब यहां जमा के सवाल की बात आती है तो उनको कैसे हल किया जाए, मान लीजिए अगर आपको 17 में 3 प्लस करना है तो कैसे जोड़े, 17 में 7 प्लस करना है तो कैसे जोड़े, या 19 में 17 प्लस करना है तो कैसे जोड़े, 12 में 11 प्लस करना है तो कैसे जोड़े। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको बच्चे जोड़ने में परेशान हो जाते हैं। देखो तो बड़ों के लिए तो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, वो तो देखते ही आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है जिसके लिए वो इनका आंसर दे पाए, तो इनके लिए खास उन छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है। अब देखिए तरीका क्या कहता है, या तो आप इस तरीके से जमा करें 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 1 और 1 2, या दूसरा तरीका अभी बताने वाला हूं, पहले में इन्हें नॉर्मल तरीके से करा दो, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 2। लेकिन ये तरीका सभी टीचर्स या सभी ट्यूशन में या सभी जगह सिखाया जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग यहां पे बताने वाला हूं जो आपको यहां पे काफी हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप देखिए 17 और 3 को जब आपको जोड़ना है तो तरीका क्या कहता है, 17 में से इसको दो पार्ट में लिखो, 10 प्लस 7। 17 को क्या लिखा, 10 प्लस 7 प्लस का 3। देखो 10 का 10 तो यूं का यूं ही हो गया, 7 और 3 10, 10 और 10 20, जोड़ना आसान हो गया। अब देखो 17 में 7 जोड़ेंगे, 17 में अगर 7 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 17 को 10 प्लस 7 लिखेंगे, 10 प्लस 7 और ये वाला 7, तो देखो 10 तो यूं का ही, 7 और 7 14 कितना हो गया, 14। थोड़ा सा और तोड़ देते हैं 14 को, 10 प्लस 4, 10 और 10 20 और 4 24। अच्छा इस वाले को देखते हैं, 19 प्लस 17, जब इसको जोड़ने की बात आती है तो किस तरीके से इसको जोड़ा जाना है वो देखिए। आप यहां पे 19 को 10 प्लस 9 लिखेंगे और 17 को 10 प्लस 7 लिखेंगे। अब आप देखें अगर 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, कितना होगा 16। 16 को फिर आप थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे, 10 प्लस 6 20 और 10 30 और 6 36। अब इसको देखते हैं कैसे जुड़ेगा, 12 प्लस 11 तो 10 प्लस 2 11 को लिखेंगे, 10 प्लस 1 2 1 3, 10 और 10 20 20 में 3 जोड़ेंगे 23। अब बच्चों स्पेशली यहां ये ध्यान देना है, यहां जो लिखकर मैंने बताया है, लिखकर आपको माइंड नहीं जोड़ना, माइंड से आपको एक क्वेश्चन करने है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको 25 में 17 जोड़ना है तो क्या कहता है क्वेश्चन, या 22 में 15 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहले बच्चों को ध्यान रखना है कि 10 इसको जो पहले तोड़ सकते हैं पहले से लिख लें, 20 प्लस 5 और इसको 10 प्लस 7, ठीक। अब इसको 20 प्लस 2, इसको 10 प्लस 5। अच्छा जब इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन में 5 आ रहा हो तो डिजिट को जैसे 7 है इसको 5 में तोड़ ले, किसमें तोड़ ले, 5 में, 7 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 5 प्लस 2। अब देखो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये अलग, ये क्वेश्चन अलग, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, तो दोनों में कैसे किस तरीके जुड़ाएगा, दोबारा बता दो, 20 और 10 30 और 5 35 5 40 और 2 42, आपका आंसर 20 और 10 30
दो 32 और 5 37, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से लिख करके, 20 और 10 30 तो ये हो गए, 5 और 2 7, तो 30 और 7 37, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं रूल। देखो 20 और 10 30, 5 और 5 10, 30 और 10 40, 40 में तो जोड़ेंगे 42। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तरीका समझ में आया होगा, और इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे।